हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा कि अभी विंटर का सीजन है और मार्केट में मटर और गाजर फ्रेश अवेलेबल है, तो आज मैं बनाऊंगी गाजर मटर और आलू की सब्जी थोड़े से अलग स्टाइल में, और इसको मैं ब्रेड और केचप के साथ सर्व करूंगी। बहुत ही ऑसम कॉम्बिनेशन है। इसके लिए कुकर में 2 टेबल स्पून घी ऐड करना है। आप चाहे तो तेल में भी इस सब्जी को बना सकते हो, लेकिन घी में ये सब्जी बेस्ट बनती है। घी ऐड करने के बाद 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करना है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दूंगी, और जीरा ऐड करने के बाद 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देना है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद 1.5 टीस्पून चाट मसाला ऐड करना है, और चाट मसाला ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज्यादा रख सकते हो। अगर आप सब ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हो तो हरी मिर्च और ब्लैक पेपर पाउडर की मात्रा कम कर दें। सभी मसाले को मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर 3 आलू छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके लिए हैं, ऐड कर दिया है, और आलू को मैंने छिलका के साथ ही लिया है। आलू ऐड करने के बाद मैंने गाजर ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पर 3 गाजर छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके लिए हैं, और गाजर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मटर ऐड करना है, तो मैंने 1 कप मटर इसमें ऐड कर दिया है। मटर ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद 1 मिनट तक सब्जी को सॉटे कर लेना है, और तकरीबन 1 मिनट तक सब्जी को सॉटे करने के बाद फिर मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी। गरम मसाला पाउडर ज्यादा ऐड नहीं करना है, बस फ्लेवर के लिए मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर दूंगी, और गरम मसाला पाउडर होममेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सब्जी को प्रेशर कुक करना है, और ये सब्जी ब्रेड के साथ बहुत ही ऑसम लगती है। मेरे घर में हम सब इसको ब्रेड के साथ ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसे पराठा, चपाती, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। तो कुकर का लीड एडजस्ट कर देना है, और 2 व्हिसिल आने तक सब्जी को पका लेना है, और 2 व्हिसिल के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देना है, और सब्जी को अपने भाप में पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। ये देखिए, सब्जी का सारा स्टीम निकल गया है और सब्जी बिल्कुल डन है। अभी विंटर का सीजन है, तो मार्केट में नए आलू हैं, फ्रेश मटर और फ्रेश गाजर है, तो विंटर के सीजन में ये सब्जी बहुत ही ऑसम बनती है। फ्रेंड्स, एक बार आप सब भी इस सब्जी को ट्राई करके जरूर देखना, ब्रेड और केचप के साथ। वैसे तो ये नॉर्मल सी आलू मटर और गाजर की सब्जी है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना के देखना, और इसको ब्रेड और सॉस के साथ एंजॉय करना। और ये देखिए, सब्जी का कलर कितना ऑसम लग रहा है। हम लोग इस सब्जी को ब्रेड, सॉस और अंडा फ्राई के साथ एंजॉय करते हैं। आप अगर अंडा नहीं खाते हो तो अंडा फ्राई को स्किप कर दें। ब्रेड, सॉस और सब्जी ऑसम कॉम्बिनेशन है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।